हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैशन टिप्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी, ये एक छोटी सी बच्ची ने जो ये पटियाला पहना है जिसे हम धोती पटियाला बोलते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को इस पटियाला को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। तो देखिए, ये मेरे पास ये लगभग 1.25 मीटर का कपड़ा था, तो मैंने इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसमें थोड़ी सी अर्ज की कमी हो रही थी तो मैंने दूसरे साइड से काट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। अब इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और इसे इस तरह एक कोने को उठा करके इस तरह से तिकोना बना लेंगे। अब दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने से आप इस तरह से लेंथ मेजर करें। तो हमारा लेंथ है 13 इंच, तो मैं यहाँ पे 13 इंच ले लिया है। इसमें हमें फुल लेंथ रखनी है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों प्लस माइनस नहीं करना है। अब इस कॉर्नर से दूसरे वाले कॉर्नर को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से हमें मियानी के लिए लेंथ लेनी है, तो मियानी हमने ले लिया हिप का 1/4। जितना भी आपका हिप होगा वहाँ से आप 1/4 ले लें। अब इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। आप इस तरीके से आप बड़े या छोटे किसी भी साइज का धोती पटियाला बना सकते हैं इस मेजरमेंट से। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से कटिंग कर लिया है और अब इसे मैं इस तरह से खोल लूँगी। अब देखिए, जो ये हमारा लेंथ है, लेंथ हमारा वो लंबी वाली नहीं है। यहाँ पे हमने मियानी का जो कट लगाया था उसे अब इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई कर लेनी है, दोनों मियानी सिर्फ। तो देखिए, मैंने मियानी सिलाई कर लिया है और ये हमारा लेंथ जो है, ये हमारा मियानी है, जो छोटा वाला है वही हमारा लेंथ है, वो लेंथ ये हमारा लेंथ नहीं है। ये जो है हमारा घेर हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ करके दोनों को अलग अलग इस तरह से करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने सिलाई, ये जो हमारा है वो है घेर। हम इस तरह से इसे प्लेट्स लगा करके इसे घेर में ले लेंगे। तो देखिए, ये मैंने कमर पट्टी काट ली है, इसे पूरा सिल करके हमें 4 इंच का बनाना है। मैंने 6 इंच का ही पट्टी काटा है, जो सिलने के बाद 4 इंच का हो जाएगा। और जो मेरा फुल लेंथ था वो 17 इंच था, तो मैंने उसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट ऐड करना था। अब ये वाला पार्ट हम सिल देंगे, जितना हमें पैर घुसाने के लिए चाहिए बस उतना छोड़ करके ये वाला हम सिलेंगे। तो देखिए, ये मैंने सिल लिया है। अब ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया पैर घुसाने के लिए। तो देखिए, ये मैंने जो कमर पट्टी सिलाई कर रखा था 6 इंच का, उसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद में यहाँ कट लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए, पूरे गोलाई में मेरे 4 जगह कट्स लग गए हैं। अब मैं आप लोगों को टाका लगा कर दिखाती हूँ कि इसमें प्लेट्स किस तरह से लगाना है। तो देखिए, ये हमारा मियानी वाला पार्ट है और जो हमारा जो दोनों बीच का कट है, उन दोनों को इस तरह से हम
ये बेल्ट को अंदर डालते हुए और पटियाला को हम सी उल्टा रखेंगे। इस तरह से हम टाका लगा लेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हो सकता है जो आपको अभी ना समझ में आ रहा हो वो आपको बाद में समझ में आ जाए। तो देखिए, ये दोनों मैंने मियानी के पास वाला जो था वो मैंने इस तरह से टाका लगा लिया है, और ये बेल्ट है हमारा। अब इस साइड का जितना हमारा ये कपड़ा है, हमें बेल्ट के आधे हिस्से में हमें एडजस्ट करनी है। तो ये जो हमने कट लगाया था, इस कॉर्नर वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे एक टाका लगाएंगे। अब हमें इससे भी दो पार्ट करके एक पार्ट को पूरे इस तरफ प्लेट्स में एडजस्ट करना है। एक प्लेट्स लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्लेट्स किस तरह से लगाना है। तो देखिए, ये मैंने प्लेट्स लगा लिया है एक साइड का। दूसरे साइड का हमें यहाँ से ऑपोजिट प्लेट्स लगानी है। ध्यान रखें कि आपका जितना बेल्ट का कपड़ा है उतने में ये सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाए। अगर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो आप थोड़ी सी प्लेट्स को अंदर की तरफ करके एडजस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसमें घेर होगा उतना ही ज़्यादा आपका पटियाला का लुक अच्छा आएगा। ये पटियाला ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही अच्छा लगता है। वैसे तो दिल तो बच्चा है, किसी को भी अच्छा लग सकता है, बड़े भी पहन सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इस कॉर्नर से एक साइड प्लीट इस तरफ लगाया है और एक साइड प्लीट इस तरफ लगाया है। इसी तरह मैंने दूसरे वाले साइड में भी लगा लिया है, और ये हमारा लुक देखिए इस तरह से आया है। देखिए, हमारा ये जो राउंड राउंड जो लुक आया है वो हमारे हिप के साइड पे आएगा। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये पटियाला को अब मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये पटियाला इस तरह देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप चाहे तो लास्टिक या फिर जार्बन कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। ये एक छोटी सी बच्ची पहनी है, हम उसका पिक अच्छे से नहीं ले पा रहे थे। वो बहुत हिल डुल रही थी, फिर भी हमने कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहे।